नमस्कार, मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी। आज आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आप लघु कथाएं सुनते हैं। अगर आपको ये लघु कथाएं अच्छी लगती है तो आप रेडियो वितस्ता का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि आपको समय से पहले हमारी लघु कथाओं की नोटिफिकेशन मिले। आइए मैं आज आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक राजा अपने दरबार में न्याय कर रहे थे। उनके सामने दो फरियादी थे। उन्होंने उन फरियादियों को कहा कि आप अपनी अपनी बात रखें। जब पहले फरियादी ने अपनी बात रखनी शुरू की तो राजा उस दौरान अपने पुत्र के साथ खेलने में व्यस्त हो गए, तो उन्होंने उनकी बात ध्यान से नहीं सुनी। जब दूसरे व्यक्ति ने अपना पक्ष रखा तो उस समय राजा ने बहुत ध्यान से उनका पक्ष सुना और फैसला उनके हक में सुना दिया। इस कारण पहले फरियादी को सजा हुई और उनको कारागार में बंद कर दिया गया। जब यह बात उनके घर तक पहुंची तो उस व्यक्ति के बेटे ने दरबार आना तय कर दिया। तो अगले दिन वो दरबार में आ गए और उनसे पूछा गया कि आप क्यों आए। उन्होंने बोला, हे राजन, मैं आपसे एक न्याय चाहता हूं। तो राजा ने कहा, कैसा न्याय? उन्होंने कहा कि एक राज्य है जहां मेरे पिता न्याय लेने गए थे। जब उन्होंने राजा के सामने अपनी फरियाद रखी तो राजा सो गए, और जब वे उठे तो उन्होंने दूसरे व्यक्ति की फरियाद सुनी और उनके हक में फैसला सुना दिया। अब राजन, आप बताइए कि उस समय में फरियादी और दरबारी को क्या करना चाहिए। राजा ने एकदम कहा कि ये फैसला गलत है, क्योंकि इससे राज्य की प्रतिष्ठा दांव पे लगती है। तो उस लड़के ने कहा, राजन, वो राजा आप हैं। कल जब मेरे पिता आपके सामने अपना दृष्टिकोण रख रहे थे और उस समय आप अपने पुत्र के साथ खेलने में व्यस्त थे, और आपने दूसरे व्यक्ति का पक्ष सुना और उनके हक में फैसला सुना दिया, जिस वजह से मेरे पिता पिछले दो दिन से सजा भुगत रहे हैं। तो राजा ने अपना फैसला बदल दिया। राजा ने दरबारियों को डांट लगाई और उनको कहा कि आपको अपना दृष्टिकोण राजा के सामने रख देना चाहिए था, और लज्जा से उनकी नजरें नीचे झुक गई। राजा ने अपना फैसला बदल दिया और उस व्यक्ति को पारितोषक के रूप में अपने महल में काम दिया। तो इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि सच बोलना बहुत जरूरी है। अगर उनका बेटा दरबार में आके सच नहीं बोलता, ना तो राजा अपनी गलती को स्वीकार करता और ना राजा अपनी फैसले को बदल देता। सच बोलने से बहुत सारे लोगों का लाभ हुआ। वो व्यक्ति आज़ाद हुआ और उस लड़के को दरबार में पारितोषक के रूप में नौकरी दी गई। सच बोलना बहुत ज़रूरी है, और अगर एक व्यक्ति सच बोलता है तो उसका फायदा बहुत सारे लोगों को जाता है। इसलिए आप भी सच बोलिए, और सच बोलने से बहुत सारे लोगों का फायदा हो सकता है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। आपका अपना रेडियो, आपकी आवाज दिल से सुनते रहिए। रेडियो वितस्ता।